सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आता हूँ लेकर तुम्हारे लिए करके कई चेयर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगर आप ऐसा एक्सटेंशन बोस्ट कनेक्शन करना चाहते हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो गाइस, कनेक्शन के साथ साथ इसको हैवी, बहुत हैवी बोर्ड बना सकते हो आप। इससे ड्रिल मशीन या कुछ भी चला सकते हो। वो हैवी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बता दूँ। सबसे पहले आपको हमारी वायर देख सकते हो, जो डायरेक्ट जो मतलब कनेक्शन है जिसके, कितनी कमज़ोर है यार, मतलब बहुत कमज़ोर वायर है। सो इससे तो काम नहीं चलने वाला है, लेकिन मैं इसी से चलाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं चलाना। लेकिन आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसके खाली कनेक्शन करूँगा, ठीक है। इसके कनेक्शन आपको करके दिखलाऊँगा, बाकी आप समझना कि कैसे करते हैं। और आप घर पर बैठे बैठे आप इसके कनेक्शन कर सकते हो एक्सटेंशन बोर्ड के। देख सकते हो किस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड है। इसके अंदर टोटल 2, 4, 6, 8 प्लग हैं, ठीक है। 8 सॉकेट हैं, ठीक है गाइस। आप इसके अंदर 8 प्लग लगा सकते हो। ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है, एक LED दी गई है जो कि फ्यूज हो गया है, ठीक है गाइस। वो क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ड्रिल कनेक्ट कर दिया था, मेरे ध्यान से हट गया गाइस और ये फ्यूज़ हो गया। सो अब इसको रिपेयर करते हैं और इसको हैवी बनाते ताकि हम अगर ध्यान से हट जाए और हम ड्रिल लगा दें सो फूगे ना, ठीक है गाइस। सो चलते हैं, बिना बतले हमारे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले क्या आपको क्या करना है, इनको ये देख सकते हो, ये जो कनेक्शन हो रखे हैं पहले से ही, ठीक है। ये हल्की हल्की वायर जो लगी पड़ी है, 3 वायर बोलते हैं इसे, इसको रिमूव करना है आपको, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। सो पहले ये निकालते हैं, ये निकालते हैं। सो गाइस, देख सकते हो कनेक्शन बहुत ही ईजी है, 1, 2, 3, 4। सो ये चारों को कनेक्शन करना है आपको सही से। तो 3 वायर हमने गाइस निकाल दिए, ठीक है। गर्म हो रही होती है तो अभी आराम से देख के। अब इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो हैवी वायर है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर पेस्ट लगाते हैं हम। सो गाइस, पेस्ट लगा लिया है, ठीक है। अब इसको इसको करते हैं सोल्डिंग। बहुत ईजी है गाइस सोल्डिंग करना, दिखलाता हूँ आपको। ये देख सकते हो गाइस, एक सोल्डिंग हो चुकी है। इस तरीके से आपको दूसरी भी करनी है। जब तक हम ये कर लेते हैं दूसरी वाली, ये वायर ठंडी हो जाएगी। हाँ गाइस, गर्मी बहुत है मेरे कमरे में, मैंने कूलर बंद करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको, ताकि आवाज़ जो है सही से चली जाए। सो इन दोनों को एक ही में रोल कर देते हैं, उसके बाद करते हैं आप। रोल तो नहीं हुआ खैर, लेकिन सोल्डिंग तो हो ही जाएगी। इसको पक्के करने के लिए इसके सोल्डिंग वायर लगा दे अच्छे से। तो गाइस देख सकते हो कितनी हैवी सोल्डिंग करी है हमने, ठीक है। बढ़िया काम करने के लिए गाइस आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है एक बढ़िया और जेन्युइन चीज़ बना सकते हो। अब जो अगला काम है हमारा, पहले इसको LED निकालते हैं और अपनी दूसरी LED फिक्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है गाइस। सो यार, हमारे पास रेजिस्टेंस इतना बड़ा तो है नहीं, कितने ओम का है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपना रेजिस्टेंस लगा दूंगा जिससे काम चल जाएगा, ठीक है गाइस, काम चल जाएगा। मैं आपको दिखलाता हूँ ये कितने ओम का है गाइस, ये आप खुद बता देना, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, हम चेक कर सकते हैं, ऐसे तो हम चेक करके दिखाएंगे आपको, नहीं चेक करके दिखाएंगे, बता दूंगा कि कितने ओम का है, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, इसके मुकाबले तो बहुत कम लग रहा है मुझे, लेकिन हम इसकी पावर एक बार चेक करते हैं और आपको बता दें, ठीक है गाइस। गाइस ये जो हमारा ओम है 100 का ओम है ये, तो आप इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है।
इसकी पावर क्या है। गाइस ये ख़राब हो चुका है लग रहा है हमारा, एक सेकंड इसको पहले ऑफ करते हैं, पहले इसको निकालते हैं ठीक है। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखलाता हूँ यार, मैं भाई साहब बौखला गया ये ओम और इस ओम में तो बहुत फ़र्क है भाई। इसकी जो आपको कंटिन्यूटी मतलब इसकी जो पावर है वो दिखलाता हूँ आपको, देख सकते हो गाइस 97.5 मतलब 900 इसकी जो वो है, ज़्यादा आ रही थी यार 1400 आ रही थी, एक सेकेंड इसकी जो वैल्यू है अच्छा 1000 ही मान लो, 1000 अप्रोस आ रही है अप्रोस जो भी बोले। अब इसकी पावर देखो वहीं पर ही हमारे जो हमारी जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है भाई साहब इसकी भी चली गई थी 1000। गाइस देखो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है हमारे हमारे रेजिस्टेंस से, तो कोई नहीं इसी को यूज़ करेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा ओके है। सो गाइस इस एलईडी को निकालते हैं और हम अपनी एलईडी लगाते हैं, हम अपनी एलईडी लगाएंगे, ये देख सकते हो आरजीबी एलईडी है इसके अंदर ठीक है, हम अपनी आरजीबी एलईडी लगाएंगे ये देख सकते हो। तो इसको निकालते हैं और वो ये कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। सो गाइस हमने अपनी एलईडी कनेक्ट कर दी है, तो हमें क्या करना है सोल्डिंग करनी है। सबसे पहले हम पेस्ट लगा देते हैं इस पर ताकि जो इजीली जो है सोल्डिंग हो जाए। हमारे पास पहले पेस्ट यार अच्छा नहीं था जिसके वजह से सोल्डिंग अच्छे से नहीं होती थी, लेकिन अब जो पेस्ट आया ना भाई एक नंबर है गाइस अपना पेस्ट। गाइस अगर आपसे सोल्डिंग नहीं हो रही है, छीलना पड़ रहा आपको कुछ मतलब जो वायर को छीलना पड़ रहा है, किसी चीज़ मेटल को छीलना पड़ रहा है, सो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना पेस्ट चेंज करो, पेस्ट एक नंबर होगा आपका। सो मैं पेस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो आपसे मतलब बता दूंगा कौन सा मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, आराम से सोल्डिंग हो जाती है, बहुत जेन्युइन पेस्ट है गाइस सही बता रहा हूँ। सो गाइस देख सकते हो हमारा इसका जो स्विच है वो भी ख़राब हो चुका था, तो हम इसके अंदर ये फिट करने वाले हैं ठीक है। इससे पहले हम ये वाले कनेक्शन कर लेते हैं आराम से, उसके बाद करते हैं आगे का। सो गाइस देख सकते हो हमारे कनेक्शन जो है पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसका स्विच का कनेक्शन करना है ठीक है। स्विच का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी वायर निकाल लेते हैं ये वाली मेन वाली ठीक है, डायरेक्ट जो कनेक्शन, उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं अपना। वाइस रेजिस्टेंस निकाल लिया है, मेन वायर निकाल लिया है, इसको स्विच को हम निकाल लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं हमारा जो स्विच है अब एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था लेकिन कोई नहीं अब इसको नहीं लगाएंगे हम ठीक है। हमारा जो स्विच था वो अलग आ गया। सो गाइस देख सकते हैं हम इस वाले स्विच का यूज़ करने वाले हैं ठीक है। अब इसका हम कनेक्शन जो है कुछ इस तरीके से होंगे, एक सेकेंड। सो गाइस हम अपना स्विच लगा लेते हैं इसके अंदर। तो स्विच हमारा बढ़िया तरीके से एकदम फिट हो चुका है ठीक है गाइस। सो गाइस देख सकते हो अभी मैंने इसके पूरे कनेक्शन कर दिए और उसकी वायर भी चेंज कर दी है। मैं जानता था इसकी वायर जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ख़राब है, सो उसके वजह से मैंने जबकि पूरा कनेक्शन कर दिया था उसके बाद भी ये जो हमारा एक्सटेंशन है चल नहीं रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखला दूँ गाइस इसकी जो लाइट है वो जलेगी ठीक है गाइस, दिखलाता हूँ। देखो गाइस जल चुकी है हमारी जो लाइट है। सो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई होप इंजॉय माय वीडियो। नहीं 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 ऐसे मत जाओ, मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा गाइस कि ये चल रहा है कि नहीं ठीक है गाइस। अरे इसको पैक करते हैं उसके बाद दिखलाएंगे। सो गाइस फाइनली हमारा बोर्ड जो है कम्प्लीट हो चुका है, अब सही से एकदम बन चुका है। सो बीच में दिक्कत आ चुकी थी उसमें मैंने कनेक्शन जो है गड़बड़ी क्या करी थी, एक वायर जो है कनेक्ट करना भूल चुका था, वो वायर है ये वाली देखो, ये हमारी जो देख सकते हो न्यूट्रल वायर जो है सॉकेट से कनेक्ट करना बोल चुके थे हम, तो अभी कर दिया है, अब चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं ठीक है गाइस। सो गाइस अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये कनेक्ट हो चुका है, अभी चेक करते हैं। सो गाइस लाइट तो हमारी फिर से चल चुकी है पहले की तरह, अब इसको चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये लगाएंगे, ऑफ करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वर्क करने लग चुका है, देख सकते हो कि चार्ज कर रहा है। सो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। आई होप एंजॉय दिस माय वीडियो, फीडबैक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।